जान की सेवा, त्याग, करुणा और समर्पण की प्रतीक आचार्य संजय शास्त्री। तेजवा से बोलता बिहार न्यूज मीडिया संवाददाता अशोक कुमार ठाकुर की खास रिपोर्ट। तेजवा प्रखंड अंतर्गत आलापुर ग्राम के श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर परिसर में श्री जानकी जन्मोत्सव समिति के तत्वाधान में 13 दिवसीय जानकी जन्मोत्सव समारोह का शुभारंभ मंगलवार की प्रातः कलश यात्रा से की गई। श्री जानकी जन्मोत्सव समारोह समिति के आयोजन तथा मिथिला मंथन के संरक्षक आचार्य संजय शास्त्री के सानिध्य में 108 कुमारी कन्याओं एवं महिलाओं ने गाजे बाजे के साथ माथे पर कलश लेकर रामधुन के भक्तिमय वातावरण में संपूर्ण आलापुर का भ्रमण करते हुए सा मंदिर परिसर में आकर कलश शोभा यात्रा का विधि विधान पूर्वक समापन किया गया, जिससे पूरे क्षेत्र में भक्तिमय माहौल बना हुआ है। कलश शोभा यात्रा के पश्चात साप्ताहिक रामायण गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मिथिला की सुप्रसिद्ध गायिका रागिनी झा ने मधुर स्वर में संगीतमय भजन प्रस्तुत कर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अवसर पर आचार्य संजय शास्त्री ने कहा कि मां जानकी नारी सशक्तिकरण की मिसाल है। जगत जननी मां सीता का चरित्र महिलाओं के लिए अनुकरणीय है। माता जानकी सेवा, त्याग, करुणा और समर्पण की प्रतीक है। नारी को माता सीता के जीवन चरित्र से सीख लेने की जरूरत है। चर्चा में बताया गया कि मां सीता की जीवन कहानी हिंदू महाकाव्य रामायण में अमर है, जिसे प्राचीन साहित्य के महानतम कार्यों में से एक माना जाता है। मिथिला के राजा जनक और रानी सुनैना की बेटी के रूप में जन्मी सीता पृथ्वी के गर्भ से प्रकट हुई, जो उनकी दिव्य उत्पत्ति और पवित्रता का प्रतीक है। छोटी उम्र से ही उन्होंने विनम्रता, करुणा और धार्मिकता के प्रति अटूट समर्पण जैसे अद्वितीय गुणों का उदाहरण प्रस्तुत किया। एक भव्य समारोह में अयोध्या के राजकुमार भगवान राम से विवाह किया। वनवास और प्रतिकूल परिस्थितियों के दौरान राम के प्रति उनका अटूट समर्थन और दृढ़ निष्ठा आदर्श पत्नी के रूप में उनकी भूमिका का उदाहरण है। जो पति व्रत अपने पति के प्रति समर्पण की अवधारणा का प्रतीक है। सीता अपने विश्वास और पवित्रता पर दृढ़ रही। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी राम के प्रति उनकी अटूट भक्ति, वफादारी, त्याग और दिव्य प्रेम का एक स्थायी उदाहरण है। इस अवसर पर स्थानीय ग्रामीणों के अतिरिक्त मिथिला मंथन संबद्ध अंतर्राष्ट्रीय मैथिली परिषद के संयोजक प्रोफेसर पी के झा, मिथिला सेवी विनय कुमार झा, प्रभात झा, अजीत चौधरी, वरुण मिश्रा आदि भारी संख्या में श्रद्धालु भक्ति विभोर हो रहे थे।